पूर्वी चंपारण से ही गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी मोतिहारी आए और तीन गठिया खेती के विरोध में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया और यहीं से आजादी की लड़ाई में ये नए चरण की शुरुआत थी। इसके बाद से अंग्रेजों के पैर उखड़ते चले गए और 1947 में देश आजाद हो गया। राजनीतिक रूप से पूर्वी चंपारण काफी सक्रिय रहा है। आजादी के बाद से 1971 तक यहां कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन वक्त पलटा और अब इसे बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। वर्तमान सांसद और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह 5 बार इस क्षेत्र से चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। शुरू से ही पूर्वी चंपारण सीट पर सवर्ण प्रत्याशियों का दबदबा रहा है। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से 3 बीजेपी, 2 आरजेडी और 1 सीट पर एलजेपी का कब्जा है। बीजेपी के पास विधानसभा के मोतिहारी, कल्याणपुर और पिपरा सीट है, जबकि हरसिद्धि और केसरिया के सीट पर आरजेडी का कब्जा है। वहीं गोविंदगंज सीट पर एलजेपी ने जीत का परचम लहराया था। मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद पूर्वी चंपारण हो गया। इस लोकसभा क्षेत्र को नया नाम मिलने के बाद से यहां से सांसद राधा मोहन सिंह हैं, जो पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। प्रखंड और जिले से अपनी राजनीति शुरू करने वाले राधा मोहन सिंह इस समय केंद्र सरकार में कृषि कल्याण मंत्री हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उनके सामने महागठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा ये अभी तय नहीं है। माना जा रहा है कि ये सीट आरजेडी या आरएलएसपी के खाते में जा सकती है। इस बार भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अपने सांसद को लेकर जनता की क्या राय है ये जान लेते हैं। मोतिहारी लोकसभा जैसा नाम से ही बापू का क्षेत्र है, बापू का कर्मभूमि है और यहाँ पे हम हैं गांधी मैदान में ही, और गांधी मैदान में कुछ खिलाड़ी हमारे साथ हैं, उनके साथ चुनाव की चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे किस तरह से खेल रहे थे, खेल के साथ चुनाव के बारे में लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि विभिन्न तबकों विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए लोग हैं और सुबह टहलने आते हैं और यहाँ खेलते हैं। क्या लगता है? मोदी जी पिछले 4 साल से जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी जो पुलाव में 40 सैनिक हमारे मारे गए हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसका मोदी जी पर बैठ फेंक जा रहा है। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो चुनाव में उनको घाटा होगा। मोदी जी को घाटा हो जाएगा चुनाव कुछ नहीं करेंगे? निश्चित घाटा होगा, क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद लगाए थे, 4.5 साल बीत गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ संतावना मिली है, कुछ होना चाहिए। यहाँ मदर डेयरी का उद्योग लगा, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहा है, बहुत से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के लिए काम हो रहा है और भी बहुत से काम हो रहा है। एक चीनी मिल, ठीक है कि कहिए कुछ करिए कुछ नहीं इसके लिए, वो जो चीनी मिल है वो पुराना हो गया, वो नया नहीं खुल नहीं सकता है, उसके लिए कोई नया इंडस्ट्रियलिस्ट आए खोले। अच्छा, अलग से इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, लगता है कि यहाँ पे आ जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि गन्ना तो खूब होता है। जी गन्ना तो होता है, तो चीनी मिल तो पुराना हो चुका है, अगर नया कुछ उस गन्ने के रॉ मटेरियल को लेके कुछ और भी किया जाए, जैसे इथेनॉल की बात चल रही है, इस तरह का कोई अगर प्रोसेस यहाँ लगाया जाए तो किसानों को लाभ होगा। और पूरा एक किसान बहुल क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है अपना, ये 50 लाख आबादी है यहाँ की, बहुत सारा लोग किसान है, इसलिए किसानों के कल्याण के लिए यहाँ काम करने की अभी और आवश्यकता है। मैंने किसान के लिए यहाँ काम किया है, आपको बता दें कि यहाँ मदर डेयरी आने से हर गांव में सब्सिडाइज्ड रेट पर गाय दिया गया है और काफी दूध का कलेक्शन हो रहा है। बढ़ोतरी नहीं किया मदर डेयरी ले आया दिल्ली से? नहीं, सुधा दूध की इतनी कमी है, पहली बार ऐसा है कि यहाँ दूध इतना पैदा होने लगा, अब यहाँ से दिल्ली दूध जाने लगा। अच्छा। अब यहाँ से पैसा दिल्ली जाता था, अब दिल्ली का पैसा यहाँ आने लगा। दिल्ली के पैसा बिहार में लाया है मंत्री जी, अब क्या चाहिए, अब कुछ चाहिए? एक कार्यकाल में इतना बहुत सारा काम किए हैं,
फिर उनको मौका मिलेगा तो और अच्छा करेंगे। अच्छा अच्छा काम करेंगे। नहीं नहीं, हम लोग तो इस बार ये जानते हैं कि इतने दिनों में सारी समस्याओं का समाधान एक बार में कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। इस बार हम लोगों ने मूड बनाया है पूरे देश की जनता ने कि मोदी जी को, उसके लिए कैंडिडेट जो भी है, मोदी को फिर से मौका दिया जाएगा। अच्छा, मोदी को मौका दिया जाएगा, आप क्या कह रहे हैं इधर बताइए भाई। ये चाह रहे थे मदर डेयरी आने से यहाँ किसानों को लाभ हुआ है। पहले सुधा कुछ कम पैसे देती थी, रुपये देती थी दूध की कीमत। मदर डेयरी के आने के बाद एक कंपटीशन बढ़ा है, किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा है। अच्छा अच्छा पैसा मिलने लगा किसानों को। आप लोगों की क्या अपेक्षा है? सरकार से हम लोगों की बहुत अपेक्षा है। हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा मोदी है तो मुमकिन, मुझे लगता है मोदी है मुमकिन। एकदम बिजली सड़क राहुल जी से क्यों नहीं आगे हुआ ये बताइए। नहीं राहुल जी अभी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। वेटिंग लिस्ट में, ऐसा लगता है राहुल जी को वेटिंग लिस्ट में रहना। हाँ उनको रहना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा असमझ की तरह बात करते हैं। वो कभी बोलते हैं राफेल राफेल एनी टाइम राफेल राफेल। अरे कुछ और सोचिए मोदी राहुल जी को। अब 70 साल में वो कुछ नहीं कर पाया तो थोड़ा ये 4 साल देखे। 70 साल में अगर कुछ नहीं कर पाते तो ये क्या राहुल जी को आखिर कब बोलेंगे? वो ममता पे, अखिलेश जी पे, मायावती पे, पाकिस्तान पे, आतंकियों पे कब उनका मुंह खुलेगा? कुछ बोलना चाहिए ना अपने। इन लोगों के साथ आशा कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं कि ये लोग कब किधर जाए तो हम उसके साथ सड़ जाए। अच्छा ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गए, लेकिन क्षेत्रीय समस्या यहाँ की समस्या क्या है? मैदान बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैदान तो ठीक नहीं? पहले से बहुत बेहतर है। पहले तो आप अगर 4-5 साल पहले आते तो नो कोई ट्रैक नहीं था, कुछ लोग आते नहीं थे। अभी बहुत सारे अवेयरनेस बढ़ा है। 70 साल में पहली बार अपने देश में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, गॉड गिफ्टेड। पूरे दुनिया में भारत का इतना इज्जत बढ़ा है जितना कि आपका पीएम को लेने के लिए अगला बड़े बड़े देश के मुखिया जो है सीएफ करने के लिए एयरपोर्ट पे आते हैं। अच्छा तो ये बताइए, अच्छा ये सब तो हम लोगों ने चर्चा कर ली, क्षेत्रीय चर्चा कर ली, राष्ट्रीय चर्चा कर ली, मोदी जी चाहिए कि राहुल जी? अब आपको बताते हैं कि साल 2014 में हार जीत का गणित क्या था। बीजेपी के राधा मोहन सिंह को करीब 4 लाख, आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव को करीब 2 लाख, वहीं जेडीयू के अवनीश कुमार सिंह को 1,28,000 वोट से संतोष करना पड़ा था। सामाजिक समीकरण को देखा जाए तो सवर्ण वोटरों के अलावा सहनी, कुशवाहा, यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। बीजेपी यहां विकास का मुद्दा उठा रही है। पार्टी का दावा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना और राज्य सरकार द्वारा चंपारण महोत्सव, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के मौके पर किए गए विकास कार्य का लाभ उसे मिलेगा। लेकिन साथ ही चकिया और मोतिहारी चीनी मिल चालू नहीं हो पाना परेशानी का सबब हो सकता है। राधा मोहन सिंह का पॉलिटिकल करियर क्या है ये आपको बताते हैं। 1967-68 में मोतिहारी के एबीवीपी नगर प्रमुख बने। छात्र राजनीति के बाद जनसंघ और फिर बीजेपी से जुड़े। साल 2006 से 2009 के बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। साल 1989, 1996 और 1999 में मोतिहारी से सांसद चुने गए। साल 2009 और 2014 में पूर्वी चंपारण से लोकसभा सदस्य बने और मोदी सरकार में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। राधा मोहन सिंह से जनता को काफी उम्मीदें थी, कुछ पूरी हुई तो कुछ अधूरी ही रह गई। मोतिहारी लोकसभा का ये जो है चरखा चौक है, चरखा पार्क है, हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमारे साथ खास लोग हैं, जेडीयू से, आरजेडी से, कांग्रेस से, सब लोग हैं, नेता हैं यहाँ के और साथ ही युवा हैं, युवा भी काफी हैं। हम उनसे बात करेंगे और यहाँ की समस्याओं को जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं लाल बाबू जी से, जो कि यहाँ पर जो स्थानीय सांसद हैं उनका काम देखते हैं और इनसे जान लेते हैं पहले कि क्या सांसद जी ने किया है। आजादी के बाद चंपारण के लिए, मोतिहारी के लिए सबसे ज्यादा काम हमारे स्थानीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी ने किया है, जिसको चंपारण का एक एक जन काम बताइए। काम
मोतिहारी रेलवे स्टेशन मदर डेयरी पिपरा कोठी में 6 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, सड़कों का चौड़ीकरण, अनेकों काम, लगभग गिनाया जाए तो 100 से ज्यादा काम होंगे। 100 से ज्यादा काम इन्होंने किया है। अच्छा, अब हम सीधा आरजेडी के लोगों से बात करते हैं कि उनको क्या लगता है, कैसे चीजें, क्या लगता है कि ये काम हो पाए हैं सब? जितना काम उन्होंने बताया उसका वादा उन्होंने नहीं किया था। जो वादा किया था इस चुनाव जीतने के पहले, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों से वादा किया था, इस चंपारण के किसानों से, कि चीनी मिल जो है सो चालू कराएंगे और जब दोबारा आएंगे तो उसी चीनी मिल का जो है सो चीनी का चाय पिएंगे, यही वादा। चीनी की चाय नहीं पी पाए, नहीं हमारे साथ अखिलेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, चाय तो पी ही नहीं पाए लोग? देखिए, हम ऐसे भी हम बिहार के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इसलिए इसका बाकुल हम जवाब देना चाहेंगे। बिल्कुल दीजिए। चीनी की चाय की बात करने वाले लोग से जरा एक बात पूछिए, ये ठीक है चीनी मिल ये चालू नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इतना तो नहीं किए कि किसानों का जमीन लेकर के और चीनी मिल के नाम पर, वो भी कृषि मंत्री किसी ने लिया था और कहा कि हम रुइया को ले आएंगे और यहाँ चीनी मिल चालू करेंगे। जो लोग अभी यूपीए की सरकार में मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय लाना नहीं चाहते थे, इस सरकार बनने के बाद पहली बार पहले कैबिनेट में यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला। और शिक्षा सुधार की जहाँ तक ये बात आप कह रहे हैं, आप शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है तो जरा याद करिए 15 साल के उपयोग को, जिसमें मैं बता रहा हूँ। हमारा प्रश्न है पक्ष और विपक्ष दोनों से, 32 साल महागठबंधन बिहार में सरकार में रही है और लगभग 25 साल से बीजेपी यहाँ पे छोटे वार्ड से लेकर के राष्ट्रपति तक बीजेपी है। इन दोनों बंधुओं से हमारा सवाल है, ई मित्र का भी सुन ले, ई मित्र का भी सुन लीजिए, हमारे सब प्रश्नों का जवाब दीजिए। यहाँ के जनता को, छात्रों को, नौजवानों को, क्या आपसे पैसा चाहिए? नहीं चाहिए। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें चीनी मिल चाहिए, हमें किसानों का हक चाहिए, अधिकार चाहिए। और एक बड़ी चीज, सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि आप हम नौजवानों का बात ऊपर तक पहुंचाने आए हैं। तो दो प्रश्न आप पूछ लीजिएगा मेरे तरफ से लोगों से, दो प्रश्न सुनिए। हाँ, सुन रहे हैं। यहाँ पे किसानों के लिए 284 से ज्यादा स्टेट बोरिंग जो करोड़ों की लागत से बनाकर स्टेट बोरिंग बना है, उसमें एक बूंद पानी तक नहीं गिर रहा है, पहला। दूसरा, चीनी मिल पे हम लोग 28 दिनों तक, सबको याद है चंपारण वासियों को, 28 दिनों तक हम लोग धरना पर बैठे, लाठी उछली, सर फटा, खून बहा, जेल गए, झूठा मुकदमा किया गया। भाजपा के मित्र सुशील मोदी जी आए हुए थे और कहते कि ना निकेत जी हमसे मिलने आते, डेरा पर सर फटा था, पट्टी बल लगी थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये गांधी की कर्मभूमि चंपारण में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और अखिलेश जी जो बात कहे हैं उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने कहा है कि सरियतपुर में चीनी मिल का शिलान्यास हुआ, डॉक्टर अखिलेश सिंह उस समय राज्य मंत्री थे, शिलान्यास करवाया उन्होंने। उस समय यहां एनडीए की सरकार थी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। चीनी मिल को बनाने में, उसको करने में उन्होंने कोई मदद नहीं किया। और हमारे राज्य आरजेडी के जो नेताजी कहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था चीनी मिल चालू करवाएंगे, ये चीनी मिल चालू था कांग्रेस के जमाने में, राजद के जमाने में, जब से भाजपा की एनडीए की सरकार हुई ये चीनी मिल बंद हो गया। यहाँ के स्थानीय एमएलए 200 बार कलकत्ता गए और उसे जाकर गुहार किए, और जब आते थे तो आश्वासन देते थे इस बार चीनी मिल चालू हो जाएगा, लेकिन नहीं चालू हुआ। यहाँ विकास नहीं हुआ और युवाओं को ज्यादा ठगने का काम किया। जी बिल्कुल ठगा गया है। यहाँ के किसानों की बात कर रहा है, किसानों की बात शहर में क्या देखना है, जाके गांव में देखिए। युवाओं को ठगा गया है, आपको क्या लगता है? युवाओं को ठगा गया। मैं सुभाष चंद्र बोस के नारा को याद दिलाते हुए, जो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जवानों की हालत पूरा देश देख रहा है और जो किसानों की हालत है, ये हमारे कृषि मंत्री जो हैं, माननीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह जी, किसान के लिए ये ज्यादा चिंतित रहते हैं। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा सर, इतना काम तो कभी नहीं हुआ। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, आप चल के देखे मेरे गाँव में जितना हमारा गेहूँ है, बिजली के लिए अलग पावर लगाया जा रहा है, किसान के लिए, किसानों के लिए बिजली के लिए अलग ग्रिड लगाया जा रहा है, 24 घंटा हमको पानी लगाया जा रहा है, 24 घंटे पानी मिलेगा। बिल्कुल ये लगता है। एक मिनट, सबसे पहले तो आप शिक्षा के बारे में उससे एक शब्द कहना चाहता हूँ। इस प्रदेश में सबसे अगर खस्ता हाल कोई है तो शिक्षा विभाग, और किसानों के लिए कहीं नहीं लगा है। अभी अनिकेत पांडे जी ने जो कहा है, जो स्टेट ट्यूबवेल जो बना था उस जमाने में, कहीं कोई चालू नहीं है। अगर ये लोगों को
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये घमंड है, तो आने वाला समय में मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि इनके सांसद अगर जीत जाएंगे तो मैं गुलामी लिखूंगा। जब किसान दिल्ली की तरफ अपने हाथ को लेने के लिए कूच कर रहे थे, उस वक्त जब किसान दिल्ली की तरफ अपने हक के लड़ाई के लिए जा रहे थे, उस वक्त हमारे किसान के नेता राधा मोहन सिंह यहाँ पर फीता काट रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए। हमें ऐसा किसान का मंत्री नहीं चाहिए जो किसानों पर हत्या करवाए, लाठी चार्ज करवाए। किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा था और हमारे मंत्री, किसान के मंत्री यहाँ फीता काट रहे थे। हमें ऐसी मंत्री नहीं चाहिए, ऐसा सांसद नहीं चाहिए। अब आपको सांसद का परफॉर्मेंस मीटर दिखाते हैं, जिससे पता चलेगा कि सांसद उम्मीदों पर कितने खरे उतरे। पूर्वी चंपारण में बिजली में सुधार हुआ है, तो वहीं सड़क बनवाने में सांसद का कामकाज ठीक ठाक रहा। वहीं किसानों की समस्याएं दूर नहीं हुई, रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिली, उच्च शिक्षा में सुधार हुआ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम ठीक ठाक रहा। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में। राधा मोहन सिंह सांसद निधि का पूरा 100% पैसा खर्च करने वाले चंद सांसदों में शामिल हैं। संसदीय कार्यवाही में भी राधा मोहन सिंह की सक्रियता अच्छी खासी रहती है। 16वीं लोकसभा की कार्यवाही में 36 बहसों में राधा मोहन सिंह ने हिस्सा लिया, लेकिन इसका फायदा कितना हुआ, जनता की जुबानी सुनिए। मैंने हमने क्या देखी, गांव में कोई वो पार्टी नहीं, केहू कहता जो हम नीतीश के थे, केहू कहता लालू के थे, केहू कहता मोदी के थे, जगह में झगड़ा में भारी पड़ी ओकरे के चल। हम कोई में नहीं की, अभी कोई नहीं, ना कोई में नहीं की, जगह सहमत बेसी पड़ जाये ओकरे के। गांव हुआ, गांव कुछ काम हुआ है? गांव में कहाँ कौन काम भाई, कुछ नहीं काम। गांव तो हटना डूब भारी में बा, रास्ता बाटे, रास्ता के हटना डूब बा, हनु आउ भराइल न भराइल बा, ना रोड बा, ना कुछ बा। जानने वाले के प्रयास करेंगे तब न समझेंगे क्या क्या काम हुआ है। ऐसे ही कह देने से कि नहीं 5 साल का समय बीत गया, ऐसे थोड़े हुआ है। लोगों में क्या तब्दीली हुई है, क्या क्या हुआ है, जो जमीनी स्तर पर सब काम हुआ है। इस बार 5 साल के लिए फिर हो जाता है, तो उसके बाद फिर दूसरी पार्टी का तो कोई नाम निशान नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब उनके टक्कर में दूसरा है कौन? अच्छा, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हम किसी पार्टी नहीं, हम तो रिटायर्ड शिक्षक हैं। अच्छा। हम किस पार्टी से क्या जुड़े, हम तो स्वतंत्र आदमी हैं, लेकिन जो काम करता है उसको जो है उसकी बड़ाई करनी चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। काम किया है, हाँ सांसद ने काम तो है, नहीं तो क्या। स्टेशन को देख रहे हैं, जहाँ तहाँ जो कृषि का ये सब क्या हो रहा है, तो वही सब ना हो रहा है। पूरी तरह नहीं, कंप्लीट तो होना नहीं है। अगर अपराध कम हो जाएगा तो फिर पुलिस की आवश्यकता क्या होगी, फिर मिलिट्री की आवश्यकता क्या होगी। फिर भी इतना कम हो चुका है मोदी राज में कि अब ज्यादा हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। हाँ, इसी को स्मूथ वे में इम्प्रूव करते रहे। बहुत से महिलाएं, बहुत से मतलब जेंट्स हैं, ताकि चुनाव के मामला में बोलते हैं कि चुनाव का ऐसे है वैसे है, चुनाव देने से क्या फायदा है, लेकिन एक एक वोट कीमती है, इसलिए चुनाव देना बहुत आवश्यकता है। और वोट की कीमत जो समझेंगे वही चुनाव में आएंगे। जेडीयू के साथ आ जाने से बीजेपी की ताकत पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ी है। राधा मोहन सिंह को लोकसभा में जाने से रोकने के लिए महागठबंधन की जोर आजमाइश जारी है। इस सीट पर महागठबंधन की सभी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। सब लोग खाली चीनी मिल के पीछे पड़ा हुआ है, विकास के पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है। हम लोग बहुत उम्मीद लगाए थे, 4.5 साल बीत गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मोदी है तो मुमकिन है,
नहीं, राहुल जी अभी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, यहाँ विकास नहीं हुआ और युवाओं को ज्यादा ठगने का काम किया। युवाओं को ठगा गया जी, बिल्कुल ठगा गया है। यहाँ के किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात शहर में क्या देखना है, जाके गांव में देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये घमंड है, तो आने वाला समय में मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि इनके सांसद अगर जीत जाएंगे तो मैं गुलामी लेंगे। अच्छा, शिक्षा की बात हुई है तो इस सरकार में, हमारी सरकार, मैं पूछना चाहता हूँ, आजादी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के आने का इंतजार था शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल करने का, सर्व शिक्षा अभियान ले आकर के और गांव-गांव में स्कूल खोला। अब जब किसान दिल्ली की तरफ अपने हक के लिए लड़ाई के लिए जा रहे थे, उस वक्त हमारे किसान के नेता राधा मोहन सिंह यहाँ पे फीता काट रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए। हमें ऐसा किसान का मंत्री नहीं चाहिए जो किसानों पर हत्या करवाए, लाठीचार्ज करवाए। सबसे पहले जब नीतीश बाबू, जब केंद्र में सरकार नहीं थी तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और आज जब आप मोदी जी के साथ खड़े हैं तो कहा नहीं मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा। यहाँ का मुद्दा, सीधा मुद्दा यहाँ का चाहिए लोगों को विकास, विकास, रोजगार और कृषि। जो मेरा तो युवाओं को जो मोदी जी ठगे हैं उसका बदला हम एकदम ठगा गया है, ठगा गया है, धोखा दिया गया। ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन जो होना चाहिए था नहीं। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी।